देखिए पैकेट की हालत। निकल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:10। हमने सोचा था चलेंगे 4 बजे, बट निकल रहे हैं 5 बजे। चलो ऑलमोस्ट रेडी। अभी मम्मी ने खाना पैक कर दिया है, हम निकल रहे हैं। कंबल वम्बल सब रख लिया। ये मिकी है, मिकी हम जा रहे हैं, बाय बाय। लाओ मैं कुछ पकड़ूं। अभी हम कुछ खाने पीने का पकड़ रहे हैं। पानी की बोतलें हमने काफ़ी रख ली हैं, ये देखिए, ठीक है। और शू बैग मैं उठाती हूँ। चले और कुछ मैं पकड़ूं? ये वाला ब्लैंकेट, हाँ मैं उठाती हूँ। चलो ये हमारे साथ दो देवियाँ जा रही हैं, कोमल आरुषि। क्या रह गया? हाँ हाँ ये मुझे अच्छा। ट्राइपॉड स्टैंड भी चाहिए। बाय मिकी। मिकी बाय बाय। मिकी चलो जल्दी, मिकी से बाय कर रहे हैं। हम अभी निकल रहे हैं घर से, अभी हो रहे हैं 5:15। हम थोड़ा बहुत सामान जो बाकी है वो भर रहे हैं गाड़ी में। बोतलें तो इधर उधर रखी जाएंगी, नीचे रख दो। ठीक है, आ गई। एक आगे रख दो, एक आपके साइड में रख दो। ओहो ये क्या हो गया? हाँ थोड़ी बहुत है, छोटी मोटी चीजें तो हैं। डिक्की भी फुल है ऑलमोस्ट। अभी हम देख रहे हैं क्या क्या फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। वो कहाँ रखा है? जूते तेरे आगे? मेरे जूते आपने रखे हैं? ये तो नहीं है, इधर जगह, इधर जगह। तुम नीचे नहीं गए? ये मैं रखवाता हूँ। यहाँ आ जाइए। तो हम अभी कंबल के लिए स्पेस नहीं है, तो हम बिछा के ही जा रहे हैं। करके देख, इसमें सारी कैंपिंग की चीजें थी। हाँ तो ठीक है ना, कैंपिंग की चीजें अभी निकल गई। हाँ अभी नहीं चाहिए, बंद हो जाएगा ये आ रहा है। हाँ हो जाएगा, यहाँ पे भी चीज आएगी। एक बोतल और मुझे बता दो जी, और कौन सी कहाँ रखी है? ये मच्छर घुस गया अभी, अभी आ गया। तो ये वाला कोमल। सो गाड़ी देखो हमारी फुली पैक्ड होने वाली है। अब ये बोतलें हमने रखती है पानी की। ये चद्दर भी चाहिए तो हम चल रहे हैं, 4 जने चल रहे हैं हम मनाली। फाइनली है आरुषि एंड हाय गाइस कोमल।
एंड आवर मेन बंदा हु हैज स्पॉन्सर्ड दिस ट्रिप. नॉट स्पॉन्सर्ड, लाइक गलत वर्ड बोल दिया. मतलब जो प्लान किया है. ठीक है. सो हाँ ठीक है. अभी हमारे टाइम हुआ है 5:30 हो गया है. बहुत लेट, 4 बजे का टारगेट था. 5:25 पे निकले हैं टू बी प्रिसाइज. सो हम निकल चुके हैं अपने क्लियो काउंटी से. हाय, गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग. पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, बट शी इज ग्लोइंग. टाइम हो रहा है, देख सकते हैं 5:28 और गाड़ी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. पूरा पूरा हम बैग है अच्छे से, बट ऐसा भी नहीं है. Finally, we are doing comfortably हम बैठे हुए हैं. हाँ. तो देखते हैं आगे का सफर, आपको दिखाते हैं. अभी हम थोड़ा लेट हो रहे हैं क्योंकि हमें वेट करना पड़ा है फास्ट टैग का सही करवाने के लिए, क्योंकि हमारा पहले फास्ट टैग वर्क नहीं कर रहा था. सबसे पहले जब हम टोल में एंटर करे थे तब तो कर गया था वर्क, एंड सेकंड टोल में बोल रहे हैं आपका स्कैन नहीं उठा पा रहा. देन वी ट्राइड फॉर सेकंड गेट, उधर भी स्कैन नहीं उठा पा रहा. देन वी ट्राइड फॉर कैश. ये देखिए इंडिया में क्या लूट मच रही है. डोंट नो बट कुछ तो है. एक गेट से करा, देन ही सेड कि हाँ 320 लगेंगे. दूसरे गेट से गए तो वो कहता 500 something. तो ये क्या भाई, फिक्स रेट क्यों नहीं है? तो हमने दोबारा हम भी हैं इंडियन. हम जल्दी सस्ते वाले में जाएंगे, हम भी कम वाले में जाएंगे. तो हमने 320 वाले की अभी स्लिप ले ली है, पर्ची कटवा ली है. अभी देखो अभी फास्ट टैग का सही करवाने में लगे हुए हैं, कितना टाइम लगता है. इसीलिए बोलते हैं भाई सुबह जल्दी निकलो और इंडिया थोड़ा सा सुधर जाओ. पापा कह रहे हैं वीडियो बना के भेज दे ना, हमारा टाइम पास हो जाएगा. तो अभी टाइम हो रहा है 8:00 बज गए हैं ऑलमोस्ट. एंड वी आर रीचिंग करनाल. सो वेदर इज गुड आउटसाइड, इनसाइड भी. यार हम जब भी जाते हैं आई थिंक ये होता ही है, हरियाणा में मिलती है, होता ही होता है ये सब. आई थिंक लास्ट टाइम भी हुआ था. लास्ट टाइम तो हमें ईस्टर्न पेरिफेरल पे मिल गई थी. हाँ, बहुत तेज वाली के पिछली बार नहीं मिली. हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, नीलकंठ करके समथिंग था वो, उधर सबवे था और जस्ट हम वॉशरूम यूज करने गए थे. बट इंडिया में अच्छे वॉशरूम मिलना बहुत रेयर है, बट हमें मिल गए. हे भगवान, आगे भी ऐसे ही दिलवाना. और ये देखो सिर्फ 20 मिनट्स अप हुए हैं. अराउंड 8:05 पे हम उधर रुके थे, 8:25 नाउ वी हैव एंटर्ड इन हरियाणा. और ये देखो इधर मौसम ऑसम, फीलिंग बदल गए, जज्बात बदल गए. मारो मुझे, मारो. तो हम आ गए हैं अपने पेट ढाबे पे, मयूर ढाबे पे. ब्रेक लिया है जस्ट फॉर टी एंड कॉफी. तो वे खा पी के आपको बताते हैं. सो
गाइस ऑसम ऑसम। आप हमेशा इधर ही ब्रेक लेते हो ना बुढ़ापे में, क्यों ऐसा क्यों, कुछ कोई मेमोरी छूटी है तुझे? बताओ कोई मेमोरी जुड़ी है? कुछ नहीं, एक बार आए थे ना हम यहाँ पे चाय पी थी, थोड़ा ऐसे उठ के चल दिए बिना पैसे दिए। और तब से फिर हमें बाद में आया यार, हमने तो पैसे दिए ही नहीं। तो शेटअप क्या दे के गए कि नहीं दे के गए? दे के गए थे पैसे? मैं उठा पे वालों सुन लो, यही है वो तो। तो हमने अभी जस्ट आनंदपुर साहिब क्रॉस किया है, उसके बाद एक पेट्रोल पंप पे जस्ट फ्रेशन अप होने के लिए रुके हैं। एंड अभी यहाँ से पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो जाता है एंटिल मनाली पहाड़ी पहाड़ रहेंगे। दिस इज़ जस्ट लाइक ए बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। अभी आप आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश का गेट आएगा एंड एक छोटा सा टोल। So guys, we have entered Himachal. Stopped in Bilaspur and Bilaspur Lake. अभी यहाँ से मनाली is 180 kilometers. So देखते हैं, we are hoping to reach by 8 p.m. Enjoy the views. Hi guys, हम मंडी पहुँच चुके हैं। देखिए, wow, what a view. तो टाइम इज 4:15, सवा चार हो गए हैं और अब तक हमने कितने स्टॉप ले लिए हैं? 7-8 इतने स्टॉप्स तो मस्त है, चाहिए ही है। और ब्यूटी का तो क्या ही कहना। ये है मंडी। अच्छा, फिर एक रास्ता दिखाया था वैसे कि एक कट्टा ना मंडी। अरे ऐसे मत सोचो ना, ट्रॉल करेगी। पैदल से बहुत मजे लिए थे। मैम आप बैठो, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने उसको भी दिखा दिया तो वो भी शुरू हो गई। Oh,
ये ब्रिज नहीं था पहले? हाँ, ये पहले सिर्फ ये छोटा वाला जो ब्रिज है वो था जिसपे लोग जा रहे हैं। अब ये शायद गांव कनेक्ट करने के लिए बनाया दोबारा। वो टनल के साथ कनेक्ट? नहीं टनल नहीं, ये सिर्फ वो जो उधर गांव है ना उसको कनेक्ट करने के लिए। अरे वो टनल अच्छा, पहले वो झूले वाला ब्रिज था उसपे व्हीकल नहीं जा सकता ना, तो अभी उन्होंने बना दिया। यहाँ तो अभी टनल का काम ही चल रहा है। अच्छा यहाँ भी ब्रिज बनेगा शायद। ये भी टनल को कनेक्ट करेंगे। हाँ यार ये भी बड़ा रिस्की है, इन्होंने पहाड़ भी गाड़ दिया। हाँ कोई पहाड़ स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ज़्यादा वेट किया वो तो हिल जाएगा कुछ भी। हाँ भाई बाढ़ बाढ़ आ जाए ना तो सब निकल जाता है। आ जाती है सब, आ जाता है बाढ़ मतलब बादल फट जाए कुछ हो जाए। केदारनाथ? हाँ केदारनाथ में किसी ने सोचा था। अभी वो टनल भी जा रही है। कितनी टनल है भाई? ये सारी एक कनेक्ट करेंगे। हाँ बाप रे। ये आ गई ऑटो। गाइस काफी डस्की डस्की हो रहा है। ये डेवलप नहीं करी अभी ना। ये वाटर क्या बहन दे, तो इन्होंने एग्जॉस्ट कुछ नहीं लगाया। लगाया लगाया अटल टनल तो इसके मुकाबले बहुत डेवलप्ड है। तो हमने टनल क्रॉस कर लिया है और वी आर नाउ इन कुल्लू। ऑन द वे टू कुल्लू। ऑन द वे एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट टाइम ना, सो आई हैव नो आइडिया इधर क्या बोलना है और कौन सा लोकेशन है और क्या है। पहले आएगा बुंतर, बुंतर एयरपोर्ट, फिर उसके बाद आएगा कुल्लू। ओके तो कोई थका तो नहीं है ना? हाईवे बना दिया। देखिए पहले कुछ भी नहीं था, पहले ऐसे बुंटर से होके जाना पड़ता था। ओ यार हाँ, ये तो मतलब नॉर्मल सड़क थी पहले, और ऐसे बस दो रास्ते कटते थे, एक रोड जा रही है एक बुंटर की तरफ और एक नाली। Oh,
आराम से वो हाँ पैर शेक हो रहे ना दे दूँ